हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया कि डिमांड फॉर बॉन्ड किन वेरिएबल्स या किन फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है क्योंकि हम पीछे से जिस टॉपिक पे चल रहे हैं वो है दो तीन लेक्चर से हम जिस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं वो है कि इंटरेस्ट रेट में फ्लैक्चुएशन क्यों होती है यानी कि इंटरेस्ट रेट क्यों चेंज होता है और चूंकि इंटरेस्ट रेट हमारी बॉन्ड्स एसिड मार्केट थेरी के मुताबिक जो इंटरेस्ट रेट है वो डिटर्मिन होता है बॉन्ड्स की डिमांड और सप्लाई से तो इंटरेस्ट रेट चेंज भी तभी होगा जब बॉन्ड की डिमांड या सप्लाई चेंज होगी तो बॉन्ड की डिमांड को चेंज करने वाले फैक्टर्स तो हम पढ़ चुके जिसमें वेल्थ था एक्सपेक्टेड रिटर्न था रिस्क था लिक्विडिटी था अब हम देखते हैं कि सप्लाई ऑफ बॉन्ड को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इनमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये जानने से पहले आपको यह फिर से याद करवाता जाऊं कि सप्लाई ऑफ बॉन्ड कौन करता है फर्म्स या गवर्नमेंट जिसने लोन लेना होता है जो बारवर होता है वो बॉन्ड इशू करता है वो सप्लायर है बॉन्ड का तो अब सप्लाई को इफेक्ट करने वाले वेरिएबल्स कौन कौन से वो हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज यानी कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्या है चूंकि फार्म ने बारो करना है तो बारो करके उन फंड्स का क्या करेगी फार्म इन्वेस्टमेंट करेगी कौन सी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड भी तो एक इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड तो फर्म खुद इशू कर रही है फिर मैं किस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं रियल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड सेल करके फंड्स इकट्ठे करेगी फंड्स की वजह से वो मशीनरी खरीदी गई इक्विपमेंट खरीदेगी फैक्ट्री की बिल्डिंग बना सकती है उसके लिए ज़मीन परचेज कर सकती है रॉ मटेरियल परचेज कर सकती है इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज मौजूद हों तो उसकी वजह से फार्म की इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ जाती है इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ने का मतलब है कि वो ज़्यादा फंड्स बोरो करना चाहेगी तो उसका सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज हो जाएगी फिर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आपको पता है कि ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट नहीं करता एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इस एक्सपेक्टेशन चेंज होने से पहले से डिटर्मिंड हुआ बाहू तो इसका मतलब है ये रियल इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हो तो जब रियल कास्ट ऑफ बारोइंग कम हो जाए तो फर्म ज्यादा बारो करना चाहेगी ज्यादा बारो करने का मतलब है वो ज्यादा बांड सप्लाई करेगी और फाइनली चूंकि मैंने कहा था फार्म भी सप्लायर है बांड का और गवर्नमेंट भी सप्लायर होती है बांड का गवर्नमेंट कब ज्यादा बांड सप्लाई करती है जब गवर्नमेंट बजट का डेफिसिट होता है अब गवर्नमेंट बजट डेफिसिट हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट की इनकम उतनी नहीं है जितने उसके एक्सपेंडिचर्स हैं तो एक्सपेंडिचर और इनकम में एक गैप आ गया है अब ये गैप कहां से पूरा होगा लोन लेके तो गवर्नमेंट जब लोन लेती है तो वो बॉन्ड इशू करती है बॉन्ड सप्लाई करती है क्योंकि बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट तो पहले मैं एग्जाम्पल के लिए किसी भी एक फैक्टर के लिए आपको डायग्राम शो करता हूं और फिर टेबल में ये सारी इंफॉर्मेशन समराइज कर दूंगा अब यहां पे अगर आप गौर करें तो यहां पे सप्लाई ऑफ बॉन्ड राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है उसका क्या तो यहां भी राइट right साइड पे शिफ्ट होने का मतलब है सप्लाई ऑफ बॉन्ड का इंक्रीज होना एट एट गिवन गिवन प्राइस ऑफ बॉन्ड इंटरेस्ट रेट अच्छा ये जो मैं कहता हूं कि राइट right साइड पे शिफ्ट होने का मतलब है सप्लाई हो या बॉन्ड डिमांड दोनों केसेस में मैंने कहा था ये बढ़ जाती है ये बढ़ जाने का क्या मतलब है ये आप देख लें कि किसी एक पॉइंट से सी को सी प्राइम से कंपेयर करें और नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे देखें तो सी के मुकाबले में हॉरिजेंटल एक्सेस पे जो सप्लाई ऑफ बांड आएगी वो कम होगी और सी प्राइम में उसके मुकाबले में ज्यादा होगी ये मैं कह रहा हूं कि जब भी सप्लाई बढ़े या बांड की डिमांड बढ़े दोनों सूरतों में सप्लाई का वो या डिमांड का वो वो शिफ्ट राइट साइड पे होती इसका मतलब है अगर कोई ऐसा फैक्टर है जो बाड की सप्लाई को कम करता है तो जो बाड का सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट साइड पे भी शिफ्ट हो सकता है राइट right साइड पे तो एक एग्जाम्पल के लिए आपको शो किया इसका मतलब है वो लेफ्ट साइड पे भी शिफ्ट हो सकता है अब हम एक टेबल में समराइज करते हैं उन सारे वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन जो सप्लाई कर्व में शिफ्ट का बायस बन सकते हैं दे मेक सप्लाई कर्व शिफ्ट इधर लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड तो इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है वेरिएबल और उसमें डिफरेंट वेरिएबल्स लिए हुए हैं फिर चेंज इन वेरिएबल के वो वेरिएबल बढ़ रहा है या कम हो रहा है फिर हम देखते हैं कि सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा बाड की कम होगी या ज्यादा और एंड पे देखेंगे कि सप्लाई किधर शिफ्ट होगा तो पहला एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट अब ये आपने याद रखना है ये प्रॉफिटेबिलिटी की नहीं है बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि फर्म बेच के बाड इशू करके जो फंड्स लेगी वो फंड्स जहाँ इन्वेस्ट करेगी उस इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है मसलन फैक्ट्री लगाने की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है तो इसका मतलब अगर प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज हो जाए देन फर्म वुड लाइक टू इन्वेस्ट जब वो इन्वेस्ट करना चाहेगी तो इसका मतलब है वो सप्लाई ऑफ बॉन्ड बढ़ाएगी क्योंकि ये उसका लोन या क्रेडिट का इंस्ट्रूमेंट है तो सप्लाई कव राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा इसी तरीके से अगर इकॉनॉमी में बूम की सिचुएशन है बूम का मतलब है बहुत अच्छे हालात हैं इकॉनॉमी के या रिकवरी है कि बुरे हालात से अच्छे हालात की तरफ जा रही है इकॉनोमी तो बूम हो या रिकवरी हो चुकी इन दोनों केसेस में इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल हो जाती है तो इसलिए ये कलर भी चेंज हुआ हुआ है स्लाइड में क्योंकि ये उसकी इंप्लीकेशन के तौर पे है कि प्रॉफिटेबिलिटी कब चेंज होती है मसलन बूम में बढ़ जाती है तो बूम में इंक्रीज हो जाएगी सप्लाई ऑफ बॉन्ड और इसी वजह से कब राइट साइड पे शिफ्ट होगा और रिसेशन जब हालात बुरे हो चुके हों और बुरे चल रहे हों या स्लो डाउन कि अच्छे हालात से बुरे हालात की तरफ जा रही हो तो उस पर्टिकुलर केस में जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं फार्म की उसकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है इसलिए वो लोन नहीं लेना चाहती क्योंकि इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहती तो सप्लाई ऑफ बॉन्ड कम हो जाएगी और सप्लाई कब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की मैंने बात की थी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट अगर इंक्रीज हो जाए तो मैंने कहा था कि फर्म का कास्ट ऑफ बारोइंग कम हो जाता है और कास्ट ऑफ बारोइंग कम होने का मतलब यह है कि फर्म के लिए ये इंसेंटिव है कि वो लोन लेके इन्वेस्टमेंट्स करे रियल इन्वेस्टमेंट्स बॉन्ड के जरिए लोन ले और फैक्ट्रीज़ के अंदर या रॉ मटेरियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करे तो इसलिए जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट हाई होता है कास्ट ऑफ बारोइंग कम होता है तो बॉन्ड्स की सप्लाई फर्म्स बढ़ा देती हैं इसलिए कर्व राइट साइड पर शिफ्ट हो जाता है और फाइनली हमने देखा कि गवर्नमेंट बजट डेफिसिट भी रोल प्ले करता है जब गवर्नमेंट का डेफिसिट इंक्रीज हो जाए पहले के मुकाबले में तो गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत होती है उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए तो गवर्नमेंट लोन लेती है और लोन का इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड है तो इसका मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है तो सप्लाई ऑफ बॉन्ड बढ़ जाती है और उसकी वजह से सप्लाई कर्व राइट साइड पर शिफ्ट हो जाता है थैंक यू